अब हम देखने वाले हैं कि व्हाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू। सिंपल सी बात है, इसका ब्लू हम लोग कैसे देख पाते हैं? व्हाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू, ऐसा क्यों होता है? अब आप समझना, ये ब्लू आपको कलर का दिख रहा है स्काई। होता क्या है बेसिकली कि सपोज यहां पर अपना सन ऐसे है, ठीक है, यहां से ये रे इमिट हो रहा है, जैसे ही एटमोस्फेयर में ये एंटर किया, ठीक है, एटमोस्फेयर में एंटर किया, यहां पर बहुत सारे पार्टिकल हैं हमारे एटमोस्फेयर में। अब वो पार्टिकल क्या होता है कि वो लाइट को स्कैटर करना शुरू करता है, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था कि स्मॉल वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है वीव। तो आप बोलोगे कि वायलेट क्यों नहीं दिखता है? तो वायलेट थोड़ा सा विजिबल हमारे आंखों के लिए डिस्टिंग्विश करना थोड़ा टफ होता है। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू छोटे वेवलेंथ है, तो इस सारे को ये करता है स्कैटर। इसको कंबाइन आप कर दोगे तो सम हाउ ब्लू सीन आपको इफेक्ट मिलेगा। आप कलर को देखना, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि स्मॉल वेवलेंथ वाले स्कैटर होते हैं, तो जैसे स्कैटर हुआ तो जितने पार्टिकल हैं, जितने पार्टिकल जो भी स्कैटरिंग करें सारे ब्लू 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 आपको दिख रहा है ना, ये ब्लू ब्लू दिख रहा है। और डायरेक्ट अगर आप सन को देखोगे, डायरेक्ट अगर सन को देखने की कोशिश करोगे अपने आंखों से, सपोज डायरेक्ट, तो ये आपको कुछ जिसका रिमेनिंग जो वेवलेंथ है ऑरेंज रेड जो भी है उस आपको ऑरेंज टाइप से दिखता होगा जो भी, ठीक है, या रिमेनिंग है तो व्हाइट टाइप से दिखता होगा। व्हाइट नहीं दिखा है स्कैटर, मतलब ऑरेंज और व्हाइट के बीच जो भी कलर है वो आपको दिखता होगा। लेकिन स्ट्रेट आप जो सन लाइट को सन को देख रहे हो उसके छोड़कर बाकी सराउंडिंग में जहां भी दिखोगे ब्लू ब्लू दिखेगा। अब यही सोचो कि कहीं पर एटमोस्फेयर नहीं है, मान लो कि यहाँ पर एटमोस्फेयर नहीं है, यहाँ सन है, यहाँ पर एटमोस्फेयर कुछ है ही नहीं, नो एटमोस्फेयर, नो एटमोस्फेयर, क्या होगा यहाँ पर? आपका यहाँ पर आई है, आप सिर्फ व्हाइट लाइट को देखोगे और जहां इधर उधर कहीं देखने की कोशिश करोगे सब क्या दिखता है? डार्क, क्योंकि कोई पार्टिकल नहीं है, कोई एटमोस्फेयर नहीं है, स्कैटरिंग ही नहीं है। तो स्काई क्यों दिखता है ब्लू? ड्यू टू एटमोस्फेरिक जो स्कैटरिंग है, जो पार्टिकल जो लाइट स्कैटर हो रहा है। स्कैटर क्या होता है? स्मॉल वेवलेंथ वाले ज्यादा स्कैटर होते हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं ब्लू वायलेट इंडिगो है स्कैटर होते हैं, तो ब्लू ही समय देखने को मिलता है। डायरेक्शन को देखेंगे तो समहाउ व्हाइट इज ऑरेंज या रेड तो नहीं, मतलब ये कॉम्बिनेशन ऑफ ये आपको देखने को मिलता है। तो ब्लू इसलिए देखने को मिला कि स्कैटर हो रहा है स्मॉल वेवलेंथ वाले सबसे, इसलिए हम दिखता है। अब दूसरी बात यहां इस पर यह है कि डेंजर सिग्नल लाइट्स आर रेड इन कलर। क्यों? आप देखो कि ट्रेन वगैरह कहीं भी आप देखते हो कि रेड कलर का सिग्नल रहता है। इसका रीजन ये है कि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, लार्ज वेवलेंथ। जब लार्ज वेवलेंथ है तो सपोज आप यहां से काफी दूर हो और रेलवे गेट है जो भी है, यहां से लाइट आपको दिख, तो डस्ट वस्ट कुछ भी हो रहा है, बीच में कुछ भी पार्टिकल आ रहा है, इसको स्कैटर बहुत कम कर पाएगा, तो ये बहुत दूर तक जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ जी डेंजर है खतरा। अगर सपोज यहाँ हम लोग ब्लू रखते थे या वायलेट रखते थे तो क्या है, कहीं ना कहीं स्कैटर होकर बीच में इधर उधर रह जाता है और आपको आपके आंखों तक पहुंच ही नहीं पाता, आपको पता ही नहीं चलता यहाँ पर क्या खतरा है कि। तो डेंजर सिग्नल के लिए हम लोग रेड इसी करते हैं, इसका लार्ज वेवलेंथ है, दूर तक ट्रेवल करता है, हमारे आंखों तक आ सकता है, हम लोग देख सकते हैं, स्कैटरिंग इसकी काफी लेस हो पाता है, राइट?